प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट ब्लू सर्कल क्लिनिक मुनूल से, और मैं हूँ आपकी ब्लू एजेंट। हम ये कर रहे हैं एक कैंपेन कॉल्ड रंग दे नीला। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, मेरी एक दोस्त की अमृता और उसकी बेटी सिया। सिया 22 साल की हो गई है और कोविड के टाइम में बहुत दिनों से मेरी दोस्त से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और एक दिन अचानक उसे फ़ोन आया कि उसे मुझे मिलना है मेरे क्लिनिक में। तो सिया को वो लेकर जब अमृता मेरे क्लिनिक में आई चल के, मैं काफ़ी चौंक गई सिया को देख के। जो सिया 3 साल पहले थी, आज उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था। और जब दोनों जन इत्मीनान से बैठ गई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अमृता का यही कंसर्न होगा कि सिया का वज़न बहुत बढ़ गया है। सिया थोड़ी देर पहले हिचकिचा रही थी, वो कह रही थी मैं कैसे आपसे बात करूं। और फिर जब हमारी बातें पुरानी और हंसी मजाक शुरू होने लगा, तो फिर सिया बड़ी कंफर्टेबल हो गई और उसने मुझे बताया कि आंटी मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है और मुझे अब शर्म आने लगी है ये बात से। लोग मेरे दोस्त मेरी मस्ती उड़ा रहे हैं, उन्हें लगता नहीं है कि मैं उनके साथ घूम सकती हूँ, मुझे जैसे कपड़े पहनने हैं मैं वैसे नहीं पहन पा रही हूँ। तो अमृता तो काफ़ी डरी हुई थी और वो काफ़ी, सिया ने इतनी बातें अमृता से भी नहीं कही। अमृता को एक्चुअली मुझे पहले समझाना पड़ा कि हाँ मम्मियों से बच्चियाँ बात नहीं करती हैं, उन्हें थोड़ी शर्म आती है, डर लगता है मम्मी डांटेगी। तो फिर उन दोनों को काफ़ी काम करने के बाद सिया ने मुझे बताया कि उसके पीरियड्स भी इरेगुलर होने लगे हैं, लास्ट 1.5 महीने से उसे मेंसेस भी नहीं आए। और उसने बताया कि अब उसे काफ़ी सारे मुहासे आने लगे हैं चेहरे पे, उसे काफ़ी फेशियल हेयर आने लगा है। जो थ्रेडिंग वो पहले करती थी 30 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, वो उसे अभी हर हफ्ते जाना पड़ रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ का खौफ था, या उसे एक्चुअली मैं बोलूँ तो वो इतनी सहम गई थी अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कि अब मेरे दोस्त मुझे सब छोड़ देंगे और मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। तो डरी हुई सी सिया थी, और फिर हमने उसे कुछ टेस्ट एडवाइस किए और मैं उसे समझाने लगी PCOS के बारे में। तो PCOS है ये कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने के वजह से ये शुरू होता है कई बार। उसका सबसे कॉमन सिम्टम है कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी आने लगते हैं, चेहरे पे बहुत सारे मुहासे, लड़कों जैसे फेशियल है, जैसे आपको चिन पे आ रहे हो या सीने पे आ रहे हो, नाभि के नीचे आने लगते हैं, ठीक डार्क है, तो वो सब कुछ साइंस होती हैं PCOS। फिर हमने एक सोनोग्राफी भी उसकी एडवाइस की। जब वो वापस सोनोग्राफी के साथ आई, तो उसके अंदर भी उसकी जो ओवरीज थी, सोनोग्राफी में बताया कि उसकी जो वॉल्यूम है ओवरी का वो 16 cc है और काफ़ी सारे बड़े बड़े फॉलिकल्स भी उसके अंदर हैं। तो ये सब के इससे हमें पता चला कि सिया को PCOS हो गया है। अमृता का एक बड़ा कंसर्न था कि क्या ये जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो उसे समझाया मैंने सिया को कि ये होता भी वज़न से है और ये जाता भी वज़न से है, तो वज़न कम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। उसने बहुत वेट गेन कर लिया था कोविड में, काफ़ी सारा ऑर्डर हो रहा था स्विगी और ग्रैब और ये सब जो जंक फूड वो खाए जा रही थी, बैठना बैठना ही उसका काम था दिन भर, तो वो सब की वजह से, काफ़ी वेट गेन के वजह से उसे हो गया PCOS। अमृता ने बताया कि उसकी बहन को भी इरेगुलर पीरियड्स की निशानी है और उसकी मम्मी मतलब सिया की नानी को था डायबिटीज। तो ये सब फैमिली बैकग्राउंड जो था उस वजह से भी हमें पता चला कि PCOD और भी इसमें जायज़ है। सिया ने एक चीज़ बताई कि उसके जो गर्दन है वो काफ़ी काली हो गई थी, उसके बगल भी काली हो रही थी और इस वजह से भी उसे काफ़ी शर्म आने लगी थी। मैंने उसे दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, हम मेरी डाइटिशियन और मैंने बैठ के एक डाइट प्लान बनाया उसके लिए जहां हम उसका वज़न कम कर सकें।
और उसे बताया गया कि उसे रोज़ एक्सरसाइज करना है, फिर चाहे वो दौड़ लगाने जाए और या फिर वो जिम कर ले, योगा कर ले। और सिया बचपन से बहुत अच्छी डांसर रही है तो वो डांस भी कर सकती है, या वो खेलने बैडमिंटन चली जाए। तो ये कोई भी एक्सरसाइज वो लेकर अपने वेट लॉस को सपोर्ट कर सकती है विद डाइट एंड विद दिस। क्योंकि सिया के मेंसेस काफ़ी इरेगुलर थे, हमें उनसे थोड़ी दवाइयाँ भी देनी पड़ी। तो दवाई जैसे कि हार्मोन पिल्स होते हैं, शादीशुदा औरतें ये हार्मोन पिल्स यूज़ करती हैं बच्चा नहीं रहने के लिए। वही जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती है वो हम देते हैं ताकि जो फीमेल हार्मोन्स है वो सही मात्रा में जाके जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है वो रेगुलराइज कर दे और उसका महीना सही से आने लगे। तो ये तीन चीज़ें हमने दी सिया को उसका PCOS ट्रीट करने के लिए। सिया तो ये सब चली गई, लेकिन अमृता मेरे पास बैठी रही। अमृता को चिंता थी कि अगर आज उसे PCOD हो गया है तो रुकिया फ्यूचर में इसका क्या होगा, इसके लिए हमें कोई चीज़ की चिंता करनी चाहिए फ्यूचर में जाके। तो हाँ, PCOD अभी तो सिर्फ है, लेकिन अगर सिया ने ये चीज़ पे नहीं ध्यान दिया, जैसे अगर उसने अपना वज़न नहीं कम किया, तो आगे जाके उसे डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। तो सिया को हमेशा ही अपना वज़न कम करना रहेगा। और ये भी हो सकता है अगर उसके मेंसेस नहीं सही से आने लगे तो ख़तरनाक बीमारी जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए इसका ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और सिया को अपना वज़न कम करना वो बहुत ज़रूरी है। अमृता तो समझ गई, बट सिया जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं और अमृता जैसी बहुत ही चिंतित माएँ हैं जिन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ ये है, मैं नहीं कहूँगी कि इसकी चिंता ना करें, बट इसको हम सच में इससे लड़ सकते हैं। हम वज़न कम करके, अपना सही डाइट और एक्सरसाइज करके हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और इसे हमारा लाइफस्टाइल हमेशा के लिए ही हमें इसे बनाना है, ताकि हमें फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों से हम हमेशा बच सकें। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, कभी भी आपको लगे कि आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है, बहुत मुहासे आने लगे हैं या काफ़ी ज़्यादा बाल आने लगे हैं, हेयर फॉल होने लगे, या मोस्ट कॉमन अगर मेंसेस इरेगुलर होने लगे, तो जल्दी अपने डॉक्टर को जाके मिले और ये बुरी सी बीमारी का आप स्क्रीन कर लीजिए कि आपको ये है या नहीं है और इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। इसके ही साथ थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू गुड हेल्थ एंड वी कैन फाइट दिस ऑलवेज।